नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हमारे इस खास पेशकश में, विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और भगवान के जन्म में अब कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं, लेकिन उसके पहले ही देश भर में माहौल कृष्णमय हो चुका है। मथुरा और वृंदावन ही नहीं, बल्कि जहां भी कृष्ण भक्त मौजूद हैं, अभी से नंदलाल की भक्ति के रस में सराबोर हो चुका है। मथुरा और वृंदावन के सभी कृष्ण मंदिरों में अपने इष्ट के दर्शन के लिए अभी से श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो चुका है। इसके अलावा देश के कई और हिस्सों में देवकी नंदन के स्वागत की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए कैसे कृष्ण जन्मोत्सव के पहले किस तरह का उत्सव भी मनाया गया मथुरा में। झूमते गाते लोग आनंद चारों ओर बिखरा पड़ा है। ऐसी है कृष्ण जन्मोत्सव के पहले की स्थिति। तो आप देखिए कैसे उत्साहित है लोग आधी रात के उस क्षण के लिए जब कृष्ण जन्म होता है, उसके पहले से ही दिन भर लोग व्रत रखते हैं। देखिए कैसे नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं और सभी आयु वर्ग के लोग, युवा बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी, और सब कितने रिदमिक तरीके से यहां पर नृत्य करते हुए, आनंद लेते हुए इस क्षण का उत्सव मनाते हुए, कृष्ण जन्मोत्सव का। हमारे बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन उपाध्याय हैं हमारे सहयोगी बांके बिहारी मंदिर वृंदावन से, स्नेहलता हैं हमारी संवाददाता वृंदावन से, अनुभव शुक्ला हैं लखनऊ से हमारे साथ, विनोद केंतुरा हैं देहरादून से, हमारे तमाम सहयोगी हम सबके पास चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं नितिन के पास वृंदावन। नितिन, आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे? देखिए, कहा जाए कि पूरा ब्रजभूमि नहीं, पूरा देश दुनिया आज भगवान कृष्ण की भक्ति में एक पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं और ये पूरा नज़ारा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम कान्हा की नगरी में हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से हजारों हजार की तादाद में जो कृष्ण भक्त हैं वो अपने इष्ट के दर्शन करने आए हैं, अपने एक कान्हा की एक झलक के लिए बेताब होते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सिर पर सिर लड़ रहे हैं, लेकिन अपने कृष्ण के दर्शन के बाद पूरी तरह से अपने आप को, अपने दिन को, अपने दिन को पूरी तरह से ये मान रहे हैं कि वो धन्य हो रहे हैं। और बांके बिहारी मंदिर में आप देख सकते हैं कि आज के दिन को लेकर, क्योंकि जन्माष्टमी बांके बिहारी मंदिर में आज मनाई जा रही है और जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि है जो मथुरा में, वहाँ जो जन्म, जहाँ जन्माष्टमी है वो कल मनाई जाएगी। दरअसल आज अष्टमी है, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र होने की वजह से, जो रोहिणी नक्षत्र कल लगेगा उसकी वजह से कई जगह कल जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कई जगह आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो ऐसे में दो दिन आज हिंदुस्तान के अलग अलग मंदिरों में दो दिन जन्माष्टमी का पर्व देखने को मिल रहा है। अगर मथुरा की बात की जाए तो इसको लेकर, इस कार्यक्रम को अद्भुत बनाने के लिए पूरी तरह से सरकार के की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरी तरह से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में रहेंगे, उनके तमाम कार्यक्रम हैं यहाँ, और करीब करीब 1000 से ज़्यादा तमाम जो कलाकार हैं, जो भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र की तमाम झांकियों को पूरे ब्रजभूमि में, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, गोकुल हो, बरसाना हो, और ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से जो मथुरा है, जो भगवान कृष्ण की नगरी है, वो काफ़ी साज सज्जा कर दी गई है, सजावट कर दी गई है। और ऐसे में इस समय बांके बिहारी मंदिर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भारी भीड़ है। और भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि अगर पति पत्नी का क्या रिश्ता है, बाप बेटे का क्या रिश्ता है, माँ का क्या रिश्ता है,
या अपनी प्रेमी का एक प्रेमिका के प्रति क्या रिश्ता है। भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को अगर देख लिया जाए तो सारे रिश्तों की मर्यादा, उनका उनका संस्कार और रिश्तों की जो समझ होनी चाहिए वो भगवान कृष्ण के चरित्र को देखकर ही आप सहज उससे सीख सकते हैं। और यही वजह है कि 16 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की जो तमाम जो उनकी जिंदगी के तमाम पहलू हैं वो आज लोगों के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। और यही वजह है कि हर कोई अपने यशोदा नंदन को देखने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और आप देख सकते हैं कि लोग काफी ज्यादा इस समय भीड़ भाड़ी उमड़ी हुई है, लगातार अपने इष्ट के दर्शन कर रहे हैं, अपने यशोदा नंदन के दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को पूरी तरह से अधन्य महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल नितिन, जो दृश्य आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शक देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर में हैं और जैसे बन पड़ सकता है वैसे वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। हम स्नेहलता के पास चलते हैं, वो भी वृंदावन में ही हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त वहाँ से सीधा कनेक्ट हैं। स्नेहलता आप बिल्कुल ठीक ठीक कहाँ पर हैं और क्या देख रही हैं? बिल्कुल, सबसे पहले एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेरों बधाई के साथ मैं बताऊं राजेंद्र, मैं इस वक्त बांके बिहारी मंदिर जहां नितिन अंदर परिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं उसके बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूं ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि इस तरह से यहां पर लोगों का हुजूम। मैं पूरे रास्ते का एक्सपीरियंस बताऊँ, जहाँ आना मुश्किल था और वजह है ये जो सजावट आप देख रहे हैं। अगर हमारे कैमरा सहयोगी दीपक कैमरे को पैन जूम इन जूम आउट कुछ भी करके दिखा सकते हैं तो आप समझिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है राजेंद्र। आप समझिए कि सड़कों पर चलना और रुकना कुछ भी संभव नहीं है और इतना प्रेम है पूरे देश से। मतलब मैंने पूछा लोगों से रुक रुक के कहाँ से हैं, कब, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, जिसे भी जैसी भी स्थिति में मौका मिला है वो इस जगह को आने से रोकने से। कहाँ से आई हैं आप? हम गुजरात से आए हैं, सूरत। सूरत से आई हैं? हाँ, दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते रहिए क्योंकि यहाँ बहुत समस्या है, अगर जरा सा भी कोई रुकता है तो पूरा मामला बिगड़ जाता है। यहाँ पर देखिए अगर सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि लोगों के अंदर इतना ज्यादा क्रेज है, जो निहार रहा है बांके बिहारी को वो निहारते ही रह जा रहा है। ये कहा जाता है कि बांके बिहारी के दर्शन खुली आंखों से किए जाते हैं, हर मंदिर में जाकर आंखें बंद की जाती हैं, यहाँ नहीं किया जाता है और इसीलिए थोड़े थोड़े वक्त पे पर्दा लगाया जाता है। ये भी अलग कहानी है जो एक इस दरमियान हम सुनाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर लोगों का हुजूम देखिए। कहाँ कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आई हैं? यूपी गोंडा से। गोंडा से आई हैं, दर्शन हो गए? जी, सुंदर दर्शन हुए जी। चलिए जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और इस तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है राजेंद्र। और समझिए कि यहाँ की गलियों में, चलिए अरे आते जाते लोगों से भी हम बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि यहाँ जो लोग व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हर किसी को चाहिए कि बस बांके बिहारी के पास टिक जाए और ये संभव तो है नहीं, इसीलिए लगातार लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए छोटे कान्हा बन के आए हैं आप, कहाँ से आए हैं आप? बिहार। बटुक देव हैं आप? कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं? और ये कपड़े किसने पहनाए हैं आपको? खुद से पहने। खुद से पहने हैं? आपको पसंद है ये कपड़े? हाँ। अच्छे लग रहे हैं? हाँ। भाई आप अच्छे लग रहे हैं, आज कान्हा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कान्हा, बोलेंगे? हाँ। बोलिए। हैप्पी बर्थडे कान्हा। तो कान्हा को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए छोटे छोटे कान्हा आए हैं और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा वरना लोगों को रोकना और चलाना दोनों बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर और बहुत मेहनत कर रहे हैं लगातार लोग। देखिए यहाँ से मंदिर परिसर से लोग बाहर निकलते जा रहे हैं, लेकिन एबीपी गंगा के जरिए हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आज का दिन कितना खास है और इसका एहसास पूरे देश को है। हर कोई अपने नन्हे मुन्ने के साथ, देखिए ये छोटी बच्ची आई है बलून के साथ बांके बिहारी के दर्शन करके। हर उम्र के लोग चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बस दर्शन कर लें। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो 12 बजे तक का इंतजार करेंगे, लेकिन यहाँ इंतजार करना अलाउ नहीं है। यहाँ लोगों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अगर लोग टिक जाएं तो यहाँ की व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। देखिए किस तरह से लोगों को एकदम सीक्वेंस में आगे बढ़ाया जा रहा है राधे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं मंदिर के अंदर के भी दृश्य हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को
और मंदिर के बाहर जैसे बड़ी तादाद में लोग अंदर जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा सा समय उनको मिलता है बांके बिहारी के दर्शनों का और उसके बाद उनको बाहर आना होता है। चूंकि सबको दर्शन करना है इसलिए ये व्यवस्था बनी रहे, ये आवश्यक है और इसके लिए लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी भी है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी सरकार की तरफ से मुहैया इस मंदिर में वो भी हम देख पा रहे हैं। और ये भी देख सकते हैं कि मंदिर के भीतर कैसे बांके बिहारी को भोग लगाने का सिलसिला जारी है, उनके दर्शनों का सिलसिला जारी है और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हर वर्ष पहुँचते हैं, इस वर्ष भी पहुँचे हैं और दर्शन करके धन्य हो जाना चाहते हैं। दो दिन जन्माष्टमी इस बार मनाई जा रही है, आज भी और यहाँ पर जहाँ के दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर कल मनाई जाएगी। और इसका कारण अभी हमें बताया गया कि रोहिणी नक्षत्र कल होगा अष्टमी में, इसलिए कल बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और कल तो खैर मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं और उसके लिए सुरक्षा चाक चौबंद है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग भक्तगण कृष्ण भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, एकदम उत्साहित होकर आनंद में लीन होकर भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी बांके बिहारी मंदिर के भीतर से भी आपको दृश्य दिखा रहे हैं, सीधा इस वक्त आप देख रहे हैं, और बांके बिहारी मंदिर के बाहर का भी आप दृश्य देख रहे हैं। और ये देखिए, ये उल्लास है, ये आनंद है भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण के जन्मोत्सव का, जो कि यहाँ पर कल मनाया जाएगा लेकिन आज भी उसकी अनुभूतियाँ हैं, आज भी वही उत्साह आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। स्नेहता हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनके साथ कुछ श्रद्धालु हैं। स्नेहता आप उनसे पूछिए कि अब तक उनका अनुभव कैसा रहा और क्या वो कल तक भी इंतज़ार करेंगे। ये सबसे पहले राजेंद्र देखिए कि कितनी श्रद्धा है, ये कमल के पुष्प की माला लेकर आई हैं आप? हाँ जी, हमें यहाँ पे प्रसाद में मिला है, प्रसाद में मिला है। आपको मिला है? हाँ जी भाई, बांके बिहारी के दर से अगर ये प्रसाद मिले तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इतना बढ़िया प्रसाद मिला है आपको। हाँ जी बहुत अच्छा। और कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से। मेरठ से? मेरठ से। आप कहाँ से? गुड़गांव से। गुड़गांव से है। और ये देखिए, ये देखिए छोटे छोटे बाल गोपाल भी है। राधे 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 राधे। मतलब ये है कि ये माइक कोई खिलौना है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल जो ये कि अंदर अच्छे से दर्शन हो गए बाल गोपाल के साथ? बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छा लगा, बड़े कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, बहुत आनंद से दर्शन हुए। राधे, कहाँ से आए? हम गुड़गांव से हैं। गुड़गांव से आए हैं। चलिए, पूरी जन्माष्टमी रात भर घूमना है कि यहीं से? नहीं, रात भर यहीं है, यहीं है विश्राम, यहीं है। आज मंदिर दर्शन करेंगे खूब। टाइम लेके आए हैं आप भी? यही रुक, हम साथ में ही हैं। राजेंद्र, कहानी ये है कि लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी का प्लान नहीं है कि जाएगा वापस कहीं भी अपने ठहराव वाली जगह पे। लोग लगातार बने रह रहे हैं क्योंकि यहाँ इस मंदिर से हटके दूसरे मंदिर में। कहानी ये है कि गली गली में जो कहते हैं ना कि हर एक मोड़ पे आपको एक ऐसा ही सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा और लोग उसमें रमे हुए हैं। एकदम मन नहीं है कि वापस जाए एक जगह से दूसरी जगह जब तक जन्म ना हो जाए श्री कृष्ण का, और फिर कल अगले दिन मथुरा में। एकदम टाइट शेड्यूल है लोगों का, भक्तों का, कि जगह जगह जाके वो दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे। ये देखिए दर्शन और जा रहे हैं आगे। यहाँ पर लोगों के लिए हमारे सहयोगी अनिल भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं। अनिल, ये बात तो तय है कि इतने लोगों को कंट्रोल करना और सही डायरेक्शन में ले जाना आसान काम नहीं है, बहुत लंबी तैयारी होती होगी। जी जी, शासन ने यहाँ पर अपनी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं। और बांके बिहारी मंदिर की बात की जाए तो यहाँ का प्रशासन भी अपने स्तर से अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आए उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी मैम, जी सारी चीज़ें पहले से। और क्या आज सिर्फ मथुरा या बाहर से भी पुलिस को बुलाया गया है ये सारी व्यवस्थाएं? बाहर से भी काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे आया हुआ है, PSC भी आई हुई है। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शासन की ओर से की जा रही हैं, लेकिन राजेंद्र, यहाँ पर आने जाने वाले लोगों ने एक चीज भी कही, अगर इनसे बात करें, इधर आइए आप, कहाँ से आई हैं आप?
बयाकुर से। बयाकुर से, बहराइच जिला। बहराइच से आई हैं? हो गए दर्शन? हाँ। आगे 12 बजे तक जागेंगी? हाँ, घूमेंगे ऐसे ही? अरे हाँ, घूमेंगे तो पैसे हम की नहीं जाएगी वहाँ करो इनसे पैसे घूमे रात भर। हाँ हाँ, बराबर घूमेंगे। तो ऐसे ही घूमना है रात भर, ये सोच के आए हैं कि जगह जगह जाके सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे। और यहाँ पर यही है, अगर किस गली में से जाएंगे वहाँ पर एक अलग सेलिब्रेशन हो रहा होगा राजेंद्र। हालांकि इस गली से दूसरे गली जाने का भी वक्त आपको बहुत सारा चाहिए, क्योंकि जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में चलना, लेकिन देखिए आप, बच्चों के साथ भी लोग चल रहे हैं, बुजुर्ग भी चल रहे हैं, ये कमाल की चीज है कि राधे राधे कहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, श्री कृष्ण की जय, राधे कृष्ण, राधे राधे, इस प्रकार के जो उद्घोष हैं वहाँ पर बहुत सामान्य रूप से सुनाई देते हैं, सुनाई देता है। और आज तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपने देखा सुना होगा और सुन भी रही होंगी। हमारे पास अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बांके बिहारी मंदिर की सीधी तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा में कैसे जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, और इसके अलावा मथुरा में कैसा उत्साह है, वाराणसी में किस तरह के उमंग उल्लास है, शिव की नगरी वाराणसी में कृष्ण जन्मोत्सव की ये आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी तस्वीरें हैं। लखनऊ अब हम चलेंगे, लखनऊ में भी विशेष आयोजन है, और पुलिस लाइन में हर वर्ष बहुत विशेष आयोजन होता है, जन्माष्टमी के दिन इस वर्ष भी हो रहा है, तो हम वहीं का रुख करेंगे लखनऊ में। वहां से हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव ये आप बताते रहे और जो वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है उसके दृश्य भी दर्शकों को दिखाते रहे। अनुभव, वहाँ पहली बार दही हांडी का कार्यक्रम रखा गया है, मुंबई से पूरी टीम बुलाई गई है, वहाँ मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, रामलीला मैदान में वो कार्यक्रम है। और कोशिश देखिए यही है योगी सरकार की, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो मथुरा हो, जो पौराणिक जगह हैं, जो जिनका बहुत हजारों वर्षों से महत्व है, उन जगहों पर चाहे वो हम कहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है योगी सरकार का, ये विजन है मुख्यमंत्री योगी का, ये विजन है कि जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त हों, उनको जितना हम प्रमोट कर सकते हैं करें, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा अनुभव, लेकिन वहाँ पर जहाँ पे आप इस वक्त हैं वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है, हमारे दर्शक को दृश्य देखना चाहेंगे। अनुभव, मंच आपको दिखाया पंडाल में, तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, फिलहाल अभी गवर्नर का इंतजार हो रहा है, मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, लेकिन ये मंच सामने बनाया गया आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सरकार के जो मंत्री हैं वो पहुँच रहे हैं, इस विभाग के जो बड़े हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, चेतन चौहान जो कैबिनेट मंत्री हैं, हालांकि अभी तक खेल विभाग देख रहे थे, अब उनको होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, रहे पर हमें दिखाई दे रही हैं,
इसके अलावा जो एडीजी हो आईजी रैंक के जो अफसर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए भी भजन गायक यहाँ पर मौजूद थे। तो वो आप मुख्यमंत्री के आने का अनुभव आपके पास वापस आएंगे, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर इसलिए फाइनल आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों उस जगह पे आएंगे, हम वो दृश्य दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम देहरादून चलेंगे और वहां से विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं और वो भी हमें दिखाएंगे कि देहरादून में कृष्ण जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। दिखाइए और बताइए विनोद। देखिए राजेंद्र, आज देश ही नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश के सभी जितने भी स्थान हैं वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की यानी जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पुलिस लाइन का कृष्ण मंदिर है और ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि कितनी रौनक इस पुलिस लाइन पर है। और यही वजह है कि आज जन्माष्टमी का पर्व है, उसको पूरी तरीके से जो श्रद्धालु हैं जो कृष्ण भक्त होते हैं वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आज यही वजह है कि सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इस उत्साह को देखते हुए काफ़ी रौनक है और जन्माष्टमी के इस पर्व को लोग मना रहे हैं। और जिस तरह से द्वापर के भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है और यही वजह कि आज 12 बजे के बाद उनका जन्म होगा और उनके जन्म से पहले लगातार यहां पर भक्तों का तांता पुलिस लाइन के इस प्रांगण में लगा हुआ है। ठीक अभी थोड़ी देर बाद में इस प्रांगण में सूबे के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम ऐसे प्रदेश के गणमान्य व्यक्ति हैं वो इस अवसर पर यहाँ पर पहुँचेंगे और मेरे साथ में कुछ जो कृष्ण भक्त हैं वो मौजूद हैं और खासा उन पर उत्साह देखने को मिल रहा है, उन्हीं से जानते हैं। सर सबसे पहले आप बताइए, आज जन्माष्टमी है, कितना उत्साह आपके मन में है? चूँकि हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से पुलिस लाइन में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और जैसे कि विदित है कि कृष्ण जी का जन्म जो है वो कारागार में हुआ था, जेल के अंदर हुआ था, इसलिए पुलिस इसको बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और बहुत ही धूमधाम से मनाती है। और आज जैसे आप देख रहे हैं हर जगह की झांकियां, थाने चौकी की झांकियां लगी हुई है। पुलिस लाइन देहरादून में यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसको सभी लोग यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ इसको झांकियों को देखने के लिए आते हैं। मैम आप बताइए, नंदलाला की आज पूजा होती है, जन्माष्टमी है, कितना उत्साह होता है जो कृष्ण के भक्त होते हैं? पूरे साल में उतना उत्साह नहीं होता जितना आज के दिन होता है, क्योंकि त्रिलोकपति का जन्मदिन है आज और हमारे खासकर पुलिस विभाग में बहुत ज़ोर शोर से इसे मनाया जाता है। पुलिस के कर्मचारी बड़े मेहनत करके ये झांकियाँ तैयार करते हैं, एक महीने पहले से ही तैयारियाँ हो जाती है और महिलाएं सुबह और दिन में और रात 12 बजे तक कीर्तन करती हैं। तीन टाइम हमारे यहाँ कीर्तन होते और अलग अलग तरीके से लोग अपने खुशियों को जाहिर करते हैं। उत्साह होता है इस कृष्ण जन्माष्टमी का? बहुत उत्साह होता है, रात को नींद भी नहीं आती है कि कल कृष्ण जन्म होना है। हम लोग तो ढोलक बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, मजीरा बजाते हैं, महिलाएं नृत्य करती हैं। आपके साथ जो श्रद्धालु हैं विनोद, वो सिर्फ अच्छा प्रोग्राम होगा, वो सिर्फ उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे हैं उत्साह के, आनंद के, बल्कि उनके पूरा अस्तित्व ही इस बात को बयान कर रहा है कि वो बहुत जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पूरी पुलिस स्टाफ के इसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है और क्या कहते हैं, हम भी वहाँ से हरिद्वार रोड से यहाँ आए हैं और एक बजे तक रहेंगे, एक डे जब तक कार्यक्रम रहेगा तब तक यहीं पे रहेंगे और कारागार में होने तो ये आनंद बिल्कुल बिल्कुल विनोद बहुत बड़ा सहयोग। ठीक है, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हर साल की तरह बहुत आनंदित है लोग, बहुत आनंदित है लोग और हर साल की तरह इस साल भी पूरी धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग मंदिरों से अलग अलग शहरों से जन्माष्टमी के जो दृश्य हैं आनंद के, उमंग के, उत्साह के, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर वृंदावन की और आप देखिए कैसे यहाँ पर भक्तों का रेला लगा हुआ है। मंदिर के भीतर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दर्शन करके धन्य हो जाना चाहते हैं। स्नेहलता हमारी सहयोगी वहीं से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है इस वक्त। स्नेहलता और क्या विशेष है वहाँ पर? नजर तो है लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना करियो श्रृंगार,
नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। राजेंद्र लाल की जय। राजेंद्र कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बांके बिहारी के रूप के स्वरूप का गुणगान किया जा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद है। कहाँ से आई आप? बिलासपुर यूपी। मैं प्रिया आहूजा बिलासपुर यूपी। कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिला, शांति मिलती है यहाँ आके, कन्हैया जी के चरणों में आके बहुत शांति मिलती है। हम चाहते हैं हम हर साल इसी तरह आए और भक्ति भाव से आए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आगे का क्या प्लान? आज हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं, इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं, सब दर्शन करके फिर हमारी वापसी है। हाँ जी, हाँ जी। साथ और भी प्यारी प्यारी स्माइल्स जुड़ी हुई है। आपका नाम? पूजा अग्रवाल। पूजा, क्या प्लान रहा और दर्शन कैसे रहे? बहुत ही सुंदर दर्शन, बांके बिहारी तो हमेशा ही खूबसूरत है और हमेशा ही उनके सुंदर दर्शन मिलते हैं, और भगवान हमेशा हम सबको ऐसे ही बुलाते रहे अपने दर्शनों के लिए। आप बताइए। राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम शैलेंद्र यादव, मैं 8 साल से जन्माष्टमी यही बना रहा हूँ। और ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम करनाल से आए हैं। करनाल से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि दर्शन कैसे रहे? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। अलग ही अनुभव है, बहुत अच्छा लगा। आगे का क्या प्लान? आगे हम निधिवन जा रहे हैं। अभी अभी 3 दिन हम यही रहेंगे, निधिवन जा रहे हैं फिलहाल तो। 3 दिन? हाँ, 3 दिन का टूर हमारा प्लान है यहाँ का। अच्छा। और फिर हम हर 6 महीने पे यहाँ आते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से आए हैं। हाँ, और कैसे रहे दर्शन? बहुत सुंदर मनमोहक दर्शन है ठाकुर जी की। तो ये है कि ठाकुर जी से आपके प्रति, ठाकुर जी के प्रति अगर आपका प्रेम जरा सा भी है तो आप इच्छा व्यक्त करते हैं और ठाकुर जी आपको अपने आप खींच लेते हैं, अपने आप खींच लेते हैं। मैं और पति पत्नी दोनों आगरा से आए हैं और हम दोनों को उम्मीद नहीं थी कि हम समय पर पहुँच पाएंगे, लेकिन मतलब रास्ते में भी हमारी गाड़ी को इस तरह से रास्ता मिला जैसे साक्षात ठाकुर जी ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया हो। देखिए, ऐसा लगता है कि रास्ते को खोल दिया खुद ठाकुर जी का कमाल है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। तो ऐसे झूमते नाचते लोगों की एक टोली होती है जो अपने आप में अलबेली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनीलता हम देख पा रहे हैं, नाचते गाते झूमते लोग और अपने अपने तरीके से भगवान कृष्ण को याद करते लोग, सेलिब्रेट करते लोग। ये तमाम तस्वीरें जो आपने दिखाई हमारे दर्शकों ने देखी, और अब देश के तमाम घरों में इस वक्त ऐसा ही हो रहा होगा, लोग जन्माष्टमी की जो खुशियां हैं वो ऐसे ही एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। ये देखिए आप बांके बिहारी मंदिर के भीतर के दृश्य, कहीं पैर रखने तक की जगह नहीं, यहाँ पर बड़ी तादाद में भक्तगण अपने अपने हाथ में प्रसाद लिए हुए, हाथ जोड़े हुए, चरणों में श्री कृष्ण के नतमस्तक। भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार माने जाते हैं भगवान कृष्ण द्वापर युग के। और देखिए बांके बिहारी मंदिर वृंदावन की तस्वीरें, पूरी दुनिया में उनके भक्त, पूरे विश्व में कृष्ण भक्त। और इसी बात को महसूस करने के लिए, कृष्ण भक्ति रस लेने के लिए मथुरा और वृंदावन पहुंचते हैं। सिर्फ देश के ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। और अभी स्नेहा बात कर रही थी, कहीं कोई श्रद्धालु करनाल से था, कोई उत्तर प्रदेश से था, कोई बिहार से था, अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। मंदिर के भीतर भक्तों से अपील की जा रही है कि वो दर्शन करें, भोग लगाएं और बाहर निकलते रहें, ताकि जो दूसरे भक्तगण बाहर खड़े हैं दर्शनों की प्रतीक्षा में, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये बांके बिहारी मंदिर वृंदावन की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। अब हम लखनऊ चलेंगे। वहाँ से हमारे सहयोगी, वहाँ की रिजर्व पुलिस लाइन से हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ कनेक्ट हैं, जहाँ पर थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के गवर्नर और मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम है। ओवर टू यू अनुभव। देखिए बिल्कुल राजन, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अभी मुख्यमंत्री तो नहीं आए, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दिनेश शर्मा, वो यहाँ कार्यक्रम में आ चुके हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस समय वो जो मंच बनाया गया है वहाँ पर पहुँचे हैं और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा
और भी जो मंत्री हैं सरकार के वो यहाँ पर पहुंचे। देखिए आप, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंच गए हैं, उनका वेलकम किया है पुलिस के अफसरों ने, और इसके अलावा तमाम जो और लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी कई मंत्री यहाँ इस कार्यक्रम में आएंगे और वो सभी लोग यहाँ पहुंचेंगे। फिर थोड़ी देर में, तकरीबन 10 मिनट बाद ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे, गवर्नर आनंदी बेन भी यहाँ पहुंच जाएंगे, और बार बार मन से यही अनाउंस हो रहा है कि थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। हालांकि बीच बीच में भजन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो उस भजन को सुन रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हुए हैं राजेंद्र, हम कोशिश करेंगे उनसे बात कराएं जो लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जन्माष्टमी के कुछ स्टूडेंट हैं आप लोग, और जन्माष्टमी के कार्यक्रम को देखने के लिए आए। हर साल यहाँ कार्यक्रम होता है? हाँ, हर साल यही भी होता है। आप लोग आते हैं हर साल? हाँ, हर साल आते हैं, यही रहती हूँ ना मैं, यहाँ पे यही आप रहती हैं? आप भी हर साल आती हैं यहाँ पे? नहीं, मेरा पहली बार है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी मुख्यमंत्री भी आएंगे, गवर्नर भी आएंगे आनंदीबेन पटेल, आप लोग पूरी रात यहाँ पर रहेंगे क्योंकि कार्यक्रम तो काफी देर तक? पूरी रात रहेंगे, पूरा कार्यक्रम देखने के बाद। हाँ, क्योंकि यही घर है ना, तो यही रहेंगे। और हर बार आप आती हैं, आप कह रही हैं, यहाँ का क्या क्या खास रहता है यहाँ के कार्यक्रम में, जन्माष्टमी पर जो कार्यक्रम होता है? काफ़ी अच्छा होता है ना, फंक्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ पे, और मतलब सारी डेकोरेशंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो बिल्कुल राजन, ये कार्यक्रम देखने के लिए आई हैं, हालांकि यही रहती हैं रिजर्व पुलिस लाइन में ही, लेकिन यहाँ हर साल श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर खास कार्यक्रम होते हैं। इस बार तकरीबन 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम होंगे, और अलग अलग कार्यक्रम है। मथुरा से एक टोली बुलाई गई है जो यहाँ पर फूलों की होली खेलेगी, इसके अलावा जो और कलाकार हैं चाहे वो लखनऊ के हों या आसपास के, वो कलाकार भी यहाँ पर अपने गीत संगीत और भजन के जरिए जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्हें कहीं ना कहीं वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा एक संदेश देंगे, एक मैसेज देंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी पहुँचने वाले हैं, लेकिन जो बात हमने पहले कही, देखिए अब तक क्या क्या हमने देखा इस उत्तर प्रदेश में, जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता था अलग अलग जिलों में, पुलिस लाइन में कार्यक्रम हो जाता था, मथुरा वृंदावन में कार्यक्रम होते थे, लेकिन जिस तरीके से इस बार श्री कृष्णोत्सव नाम दिया है, 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा मथुरा में, आज से वो शुरू हो गया है, 1000 से ज्यादा कलाकार मथुरा में आज अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, कल खुद मुख्यमंत्री जाएंगे, पहली बार मथुरा में दही हांडी का कार्यक्रम रखा गया है। दही हांडी का कल्चर हमने देखा है, मुंबई में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, लेकिन पहली बार मथुरा में कल ये कार्यक्रम किया जाएगा, खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और 25 तारीख की अगर बात करें तो अनूप जलोटा, भजन सम्राट कहा जाता है, वो मथुरा में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। देखिए दीपोत्सव को जिस तरीके से दीपोत्सव अयोध्या में शुरू किया, अब श्री कृष्ण उत्सव की भी शुरुआत कर दी है योगी सरकार ने, और ये केवल ये नहीं है कि पौराणिक स्थल जो है वहां पर इन कार्यक्रमों को मनाया जाए, इसके पीछे आप विजन देखिए, विजन है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जाएगा, पर्यटक जाएगा, जब हम ऐसा माहौल बनाएंगे, जब हम कोई उत्सव करेंगे, उसका फायदा किसको मिलेगा, जो मथुरा के लोग हैं उनको मिलेगा, जो अयोध्या के स्थानीय लोग हैं उनको मिलेगा, और फोकस है सरकार का, चाहे वो मथुरा हो चाहे वो अयोध्या हो, इसी तरीके से इसीलिए इस तरह के जो कार्यक्रम है उनको भव्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कार्यक्रम भव्य स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, और उसमें प्राण बने रहे, लोगों का उत्साह बना रहे, और एक मैसेज जाए, इसलिए खुद मुख्यमंत्री और गवर्नर वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये तो नहीं लखनऊ की बात, हम चलेंगे देहरादून विनोद के पास। विनोद, थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रहे थे वहां पर श्रद्धालुओं से, तो उनके चेहरों से पढ़ा जा सकता था कि वो कितने प्रसन्न हैं, उनके चेहरों से पढ़ा जा सकता था, उनके शब्दों से समझा जा सकता था कि वो कितने उत्साहित हैं, कितने आनंदित हैं, और कृष्ण भक्ति में कितना लीन है। वो दृश्य हमारे दर्शक फिर से देखना चाहें। विनोद, देखिए राजीव, जिस तरह से आज पूरे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में भी भव्य आयोजन जन्माष्टमी को लेकर हो रहे हैं, और खासा उत्साह भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में सुबह से ही देखा जा रहा है, और आज तमाम राजधानी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जन्माष्टमी के भव्य आयोजन चल रहे हैं, और तमाम में अगर बात करूँ, अभी मैं पुलिस लाइन में श्री कृष्ण मंदिर में मौजूद हूँ, और इस पूरे प्रांगण में लगभग
हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भव्य झांकियाँ यहाँ झांकियों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, तो सुबह से ही भक्तों में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस पूरे कार्यक्रम में अभी फिलहाल मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तराखंड राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थोड़ी देर में पहुंचेंगे और इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेंगे। बहरहाल उत्साह की बात करें तो खासा उत्साह यहाँ पर बाबा जो श्री कृष्ण हैं द्वापर के भगवान जिनको कहा जाता है उनके जो भक्त हैं उनमें खासा उत्साह है, उन्हीं से हम बात करेंगे। मैम जन्माष्टमी का त्यौहार है, किस तरीके से आप देखते हैं कितना उत्साह है? यहाँ लोग बहुत संख्या में आते हैं, बहुत भीड़ लगी रहती है, लोग 12 बजे तक यहाँ रुके रहते हैं और व्रत रखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और हम भी आए हैं अपने बच्चों को तैयार करके और उसको कृष्ण बना के लाए। और भी बहुत कुछ होता है यहाँ, रात को बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, लोग देखने आते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण का जन्म है और हम सब आते हैं यहाँ मनाने के लिए कृष्ण के जन्मदिन के। नंदलाला की पूजा होती है, बड़े धूमधाम से आप मनाते हैं, तैयार होते हैं बच्चों को तैयार। आप बात करते रहे विनोद, आप बात करते रहे, हम इनकी बात सुनेंगे लेकिन दृश्य भी देखना चाहेंगे हमारे दर्शक। सारे लोग इनको देखते हैं, बहुत जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर और सेलिब्रेशन कैसे हो रहा है इसके दृश्य भी हमारे दर्शक देखना चाहेंगे, तो हम इनकी बात भी सुनेंगे और इनके दृश्य भी देखेंगे वहां पर। विनोद जी, देखिए राजेंद्र मैं आपको बताऊं और मैं फिलहाल ये दिखाना चाहता हूं कि जिस तरह से इस पूरे प्रांगण में शानदार और भव्य झांकियां यहां पर चलाई जा रही हैं और हजारों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं और लगभग मैं आपको बताऊं कि इस पूरे प्रांगण में लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु और जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा कि ये ऐसा झांकी उत्तराखंड पुलिस के माध्यम से तैयार की गई है जो फिलहाल पूरे प्रदेश की स्थिति को दर्शाती है। पूरे मैप यहाँ पर तैयार किया गया है, चाहे वो ऊपरी पहाड़ी इलाका हो, जनपद हो, चाहे वो नीचे के मैदान हो, तमाम ऐसे मैप यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के जवानों अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से दर्शाए गए हैं। और ये हर साल जन्माष्टमी के दौरान ऐसे कृत्य किए जाते हैं ताकि ऐसी स्थिति में जो एक सभ्यता है, संस्कृति है, वो पूरी तरीके से सारा लोग देख पाए। और जन्माष्टमी के अवसर पर जिस तरह से लोगों में और श्रद्धालुओं में, भक्तों में एक उत्साह होता है, वो पूरी तरीके से आज देखा जा रहा है। साफ तौर पर इस पूरे प्रांगण में लगभग हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और नंदलाला की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ लगभग जिस तरह से इस पूरे प्रांगण में शानदार झांकियाँ निकाली जा रही हैं, उनका आयोजन किया गया है, तो एक ये साफ संकेत भी है कि उत्तराखंड पुलिस की तरफ से भी एक संकेत है कि एक संदेश है ताकि भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म कारागार में हुआ वो पूरी तरीके से इस उत्साह त्यौहार को मनाते हैं। और यही वजह कि आज हजारों की संख्या में जो श्री कृष्ण के भक्त वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि लगभग अभी आधे घंटे बाद में यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। राजेंद्र बिल्कुल, तो देहरादून में भी जहाँ पर अभी हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहाँ पर थोड़ी देर में वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य पहुँचेंगे। अब हम नितिन के पास चलेंगे। नितिन, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के भीतर हैं, प्रांगण के भीतर हैं। नितिन जी, राजेंद्र बोलिए, मैं सवाल सुन पा रहा हूँ। नितिन इस वक्त क्या हो रहा है वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए मैं अगर फिर से तस्वीरों के जरिए पूरी मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। इस समय बांके बिहारी मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं है और कहा जाए तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा देश आज कृष्ण भक्ति में भक्त पूरी तरह से सराबोर है और भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको जीवन में कोई भी परेशानी हो तो भगवान जी कृष्ण का जीवन चरित्र उठा लीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। रिश्तों में कोई बात हो, सामाजिकता की कोई बात हो, आपको कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का अगर जीवन चरित्र को आप साफ रखेंगे तो आपको पूरी तरह से मदद मिलेगी। और ऐसी यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी भी इष्ट देव के अलग अलग तरीके से पूजा होती है तो भगवान कृष्ण की होती है। तमाम मत संप्रदाय के लोग भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं और आज तो कान्हा का जन्मदिन है, आज तो यशोदा नंदन के जन्मदिन
के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में जो हुजूम उमड़ा हुआ है, भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है, वो बताता है कि काना तो नटखट गोपाल नंदन काला को हर कोई अपने यहाँ दर्शन कराना चाहता है, हर कोई दर्शन करना चाहता है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पुख्ता है और जिस तरह से अलर्ट है उसलिए यहाँ एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, दूसरी तरफ यहाँ पुलिस कर्मी तैनात हैं और साथ ही मंदिर की सुरक्षा निजी सिक्योरिटी को भी दे रखी हुई है। तो कुल मिला के बड़े ही व्यवस्थित तरीके से पूरी देश दुनिया से जो लोग आए हैं वो बांके बिहारी मंदिर में अपने काना अपने इष्ट अपने बाल गोपाल कृष्ण नंदन को वो यहाँ उनके दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है भक्तों का, लोग अपने एक झलक अपने इष्ट देव काना की पाना चाहते हैं और उसके लिए वो दूर दूर से आए हैं और पूरी तरह से तन्मयता से। और कहा जाए तो इस बार योगी सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, कृष्ण जन्मोत्सव 3 दिन का कार्यक्रम है जो आज से शुरू हुआ है, कल 24 है, कल भी ब्रजभूमि में जगह जगह जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो इस बार 2 दिन की जन्माष्टमी हो रही है क्योंकि अष्टमी के साथ कल जो रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वो रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत बीती वो आगे आने वाली रात से शुरू हो रही है और ऐसे में कई जगह कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है, कई जगह कृष्ण जन्माष्टमी कल मनाई जा रही है। जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ जन्माष्टमी का पर्व कल मनाया जाएगा लेकिन बांके बिहारी मंदिर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है और जिसके पीछे शास्त्रों की जो स्थिति है उसमें थोड़ा जो डिफरेंस है उसकी एक वजह है। लेकिन कहा जाए कि जो भक्ति का सैलाब है भगवान कृष्ण को प्रति जो समर्पण है वो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं तमाम जो भक्त हैं वो अपने इष्ट देव के दर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से यहाँ दर्शन हो रहे हैं। अनाउंसमेंट के जरिए अगर कोई बात हो रही है तो अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को आगाह किया जा रहा है कि किस तरह से अपना मंदिर परिसर में एक्ट करें। तो कुल मिला के कहा जाए तो एक कृष्ण भक्ति में पूरा ब्रज भूमि पूरा ब्रज मंडल इस समय कृष्ण भक्ति में सराबोर है और भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि 16 कलाओं के धनी हैं, पुरुषार्थ के धनी हैं और जीवन में अगर कोई भी अपने बच्चे को चाहता है कि किसी का अनुसरण करे तो भगवान कृष्ण का। और यही वजह है कि किस तरह 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 के उनके कई सारे नाम हैं, उनकी रास लीलाओं उनकी तमाम जो जीवन की तमाम घटनाएं आज भी प्रासंगिक है आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोयमा, यानी पूरे भारत वर्ष से लोग इस समय बांके बिहारी मंदिर परिसर में मौजूद हैं, अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के वो दर्शन कर रहे हैं और विशेष तैयारियां की गई हैं। बात की जाए तो सरकार की तो कृष्ण जन्मोत्सव पूरे मथुरा में जी 3 दिन का मनाया जाए। बिल्कुल 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 नितिन, पूरी दुनिया से पूरे देश दुनिया से लोग वहां पर पहुंचते हैं। बिल्कुल 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 नितिन, अब हम वहीं पर वृंदावन में मौजूद हमारी सहयोगी स्नेहलता के पास चलेंगे और वो जो दृश्य दिखाएंगी वो देखेंगे। स्नेहलता, आप जो विशेष देख रही हैं हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, शुरुआत करेंगे, जरा इधर मेरे कैमरा सहयोगी दीपक दिखाएंगे। ये देखिए प्यारे से लड्डू गोपाल को दर्शन करा के आई हैं और अगर थोड़ा सा अगर नीचे कैमरे पे आएंगे तो एक प्यारी सी राधा रानी है। किसके साथ आई हैं आप? हाँ किसके साथ आई हैं? मम्मी के साथ। किसका बर्थडे है कल? राधा कृष्ण का। किसका? राधा कृष्ण जी का। कृष्ण जी का बर्थडे है, उनको हैप्पी बर्थडे तो बोला नहीं? हैप्पी बर्थडे कृष्ण जी। आपने बोला क्या? बोल दो। नहीं अभी नहीं बोलेंगे भाई, एक और भी है, आप बताइए। अभी तो आप नहीं बता सकते। राधे बोलो, राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे। नहीं अभी मूड नहीं है, लेकिन राजेंद्र समझिए कि बच्चों के लिए ये कैसा जी। एक इवेंट है जहाँ अपने बर्थडे के लिए वो एक्साइटेड रहते हैं, उनको कृष्ण के जन्मदिन को मनाने का एक मौका मिल रहा है। आप लोग बताइए कहाँ से आई हैं अपने बच्चों को लेके? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर से। तो इन्हें क्या सीखने को मिल रहा है, इनको दिखाने का मकसद क्या है कि आज बर्थडे है या कुछ और बताया है? आज बिहारी जी का दर्शन हो गया, आज उनका जन्मदिन पे हम लोग यहाँ आए थे, दर्शन हुआ अच्छे से। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सेवेंथ में। और आप? फर्स्ट। आप बताइए कहाँ से आई अपने लड़के? बनारस से आए हैं। बनारस से आए
आई हैं भाई, काशी वाले भी आए हैं दर्शन करने के लिए बांके बिहारी की। दर्शन कैसे हुए बांके बिहारी? अच्छा हुआ, अच्छा अच्छा। नकारे लगा दिया जाए बांके बिहारी के? बोलो बांके बिहारी, बहुत अच्छी हाल की जय। तो राधे 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 राधे, बोलो नंदलाल की जय। एमपी से बैतूल से की जय। ये जयकारे, ये जयघोष 12 बजे तक कौन यही रहेगा? 12 तक नहीं, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये बात समझ लीजिए। आप कहाँ से आई हैं? यही वृंदावन से। वृंदावन से तो आप कान्हा का जन्मदिन कैसे मनाएंगी? बहुत अच्छे। दर्शन करने के बाद क्या करेंगी? व्रत खोलेंगे, घर जाके अपना व्रत खोलेंगे। घर जाके रात को यार, और अच्छा। रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म करेंगे खूब धूमधाम से। घर पे पूरी तैयारी करके रखी हुई है। हाँ। तो यहाँ दर्शन के बाद जाके व्रत खोलना है। हाँ। तो भाई ये है यहाँ पर व्रत खोलना है। आपने भी व्रत कर रखा है? नो मैम, व्रत तो नहीं है मेरा, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगे। मेरठ से यहाँ पर आया हूँ, मैं अकेला आया हूँ, अकेला आया हूँ मेरठ से। हाँ जी, यहाँ पर दर्शन करने वाले लोगों का ऐसे ही तांता लगा रहता है राजेंद्र। और जी, यहाँ पर जिन लोगों के घर में, जो आप लोगों को बहुत भाग्यशाली महसूस होता होगा कि यही रहते हैं कान्हा की नगरी में। हाँ, हाँ। हर साल आते होते हैं। हाँ। यहीं पे घर है हमारा, बिहारी जी के पास, यही पास में हमारा घर है, दुकान भी है। बताइए, आपका घर इतना नजदीक है, पूरी दुनिया से लोग खाक छान के यही आ रहे हैं। कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा, कि कान्हा के बगल में ही रहते हैं हम। हाँ, हम तो अपने आप को राधा में समझते हैं, हम तो राधा समझती हैं अपने। आप समझते क्यों हैं? आप राधा हैं। यहाँ से कितनी दूर है बरसाना जाइए? हाँ, बरसाना भी हम घूम आए। हाँ, बरसाने तो भाई, बरसाना वाली लड़कियों को कैसा गर्व महसूस होता होगा ना कि हम तो राधा रानी है। हाँ, बहुत अच्छा। तो एक भजन राधा रानी का तो सुनाइए। नहीं, शर्मा गए हैं अभी। नहीं, किसी को भजन आता है श्री कृष्ण का? भजन तो नहीं आता, लेकिन मैडम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आज जो मैं अकेला यहाँ दर्शन करने आया हूँ, मैं चाहता हूँ लड्डू गोपाल जी यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और उनके परिवार को खुश रखें। राधे 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 राधे। ठीक है, सेलता सभी बहुत उत्साहित हैं। और आपने बताया, दिखाया आपने कि ग्वालियर से, बैतूल से, दिल्ली से, काशी से, हर जगह से भक्त बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में पहुँच कर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का लाभ प्राप्त किया है उन्होंने और सबके चेहरे पर वो खुशी जाहिर है, सबके चेहरे उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सबके चेहरों पर वो साफ साफ देखा और पढ़ा जा सकता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हमारे तमाम सहयोगी आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं आज जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस की, जन्मोत्सव की, कृष्ण जन्मोत्सव की। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।